Hey guys, welcome to DRC Tuber. Guys, ये है HP का एक टैंजेंट प्रिंटर, जिसके पास भी ऐसा कोई प्रिंटर है, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, लाइक एप्सन, कैनन, HP, ब्रदर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये जानते होंगे कि ऐसा प्रिंटर में एक कौन सा प्रॉब्लम होता है। मतलब कि अगर इंक रिफिल करने के बाद हम कुछ दिन या फिर कुछ महीने तक इस प्रिंटर को यूज नहीं करते हैं, तो इसका जो ट्यूब है, जो इंक टैंक से होकर कार्टिज तक जाता है, उसमें अपने आप हवा या फिर एयर भर जाता है। और इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार इंक लेवल को देख लेता हूँ। और अभी इस प्रिंटर से फोटोज में ब्लू सबसे कम यूज होता है, और ये जो मैजेंटा ये मीडियम टाइप, और ये जो येलो है ये ब्लू से थोड़ा ज्यादा यूज होता है, और अभी इसमें फोटोज एकदम फेल हो जाता है। मैंने पहले ही इसका जो ब्लैक इंक है उसको ठीक कर लिया, इसलिए इसका लेवल भी हाफ है, मतलब कि अभी ये ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को बाकी तीनों इंक ठीक करके दिखाऊंगा। और गाइस, अभी ये प्रिंटर ऑन वारंटी में है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए तो मुझे कस्टमर सपोर्ट से फ्री सर्विस मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको खुद बाहर से ही ठीक कर सकता हूँ। वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी ये वारंटी में है, और मैं इसका जो वारंटी सील है उसको तोड़ के इसका वारंटी स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि बाद में अगर कोई बड़ा इशू होगा तो मुझे कोई फ्री सर्विस नहीं मिलेगा। और ये एक आसान सा प्रोसेस है, आई थिंक आप लोगों को भी ये सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कार्टेज लोडर है, इसको एकदम राइट साइड में कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देखो, ब्लैक ट्यूब में इंक एकदम फुलफिल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बोला था कि ब्लैक को मैंने खुद ठीक कर लिया। नीचे ब्लू ट्यूब में देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे इंक है, फिर से ब्लैंक है, और फिर से थोड़ा इंक, ऐसा ही है। और ये जो ब्लैंक स्पेस है, यही है वो एयर। सिर्फ इस एयर के वजह से इंक का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है, जिसके वजह से कार्टिज तक इंक जाता नहीं। और बाकी दोनों ट्यूब में देखो, सेम ऐसे ही इंक और एयर एक साथ है। तो अब मैं जल्दी से इसको ठीक करता हूँ। ये है 5 ml का एक सिरिंज, और ये है SI प्रिंटर का एक ट्यूब। इसको मैंने प्रिंटर रिपेयर शॉप से 10 रुपया में खरीदा। अगर बाय चांस आपको ऐसा ट्यूब नहीं मिलता कोई रिपेयर शॉप में, तो आप मेडिसिन शॉप से जो रबर का ट्यूब है वो खरीद सकते हो। और चाहिए एक ग्लास, जो अभी मेरे पास नहीं है, इसके वजह से मेरा उंगली बहुत ज्यादा गंदा होगा। ठीक है, अभी कार्टेज लोडर को बाहर निकलते हैं, तो एक बार कलर कार्टेज का कंडीशन देख लेता हूँ। आई थिंक ये एकदम ड्राई हो गया, तो देखो इसका हेड एकदम क्लीन है। अभी ब्लैक को भी थोड़ा देख लेता हूँ, आई थिंक ये 100% ठीक होगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक हफ्ते पहले ही इसको ठीक किया था, और अभी लगातार ब्लैक प्रिंट कर रहा हूँ, और साथ में टैंक में जो इंक लेवल है वो भी लगातार घट रहा है। तो गाइस, ब्लैक के हेड में देखो कलर एकदम ठीक ठाक है, मतलब कि ट्यूब में और कार्टिज में इंक बराबर सप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए मैं इसको टच भी नहीं करूंगा। तो ठीक है, अभी जल्दी से एयर को निकल लेते हैं। पहले सिरिंज को ट्यूब के साथ ऐसे अटैच करना है, ये हो गया। अब ट्यूब के दूसरे साइड को एक नोजल में लगा के धीरे धीरे करके खींचूंगा। यह भी याद रखना, ज्यादा फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा फास्ट करोगे तो इंक के साथ जो एयर है वो जल्दी से सिरिंज में आ जाएगा, जिसके वजह से ट्यूब में थोड़ा बहुत एयर रह जाएगा, और कुछ दिन के बाद में फिर से यही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जितना धीरे हो सके उतना धीरे ही इसको खींचना है। ठीक है, मैंने इसको येलो में अटैच कर लिया। अब प्रिंटर के ट्यूब की तरफ गौर से देखना, एयर और इंक बाहर निकलता है या नहीं। ओके, ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, कलर पास हो रहा है, लेकिन सिरिंज का ट्यूब अभी भी खाली है। इसका मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा एयर है, तो मैं इसको तब तक निकालूंगा जब तक इसका फुल एयर नहीं निकलता। अभी सिरिंज में तो इंक आना शुरू हो गया, लेकिन साथ में ये जो बबल या फिर बुदबुदा है, यही है वो एयर। तो इसको लास्ट तक खींचना है। और गाइस, सिरिंज के इंक को दोबारा से यूज मत करना, क्योंकि उसके अंदर एयर होगा तो वो एयर फिर से ट्यूब में आ जाएगा, इसलिए उस इंक को फेंक दो। अब सेम ऐसे ही रेड से एयर निकलता हूँ, एकदम धीरे धीरे करके। ठीक है, ये भी काम कर रहा है, हो गया। इसमें भी बहुत ज्यादा एयर था, ट्यूब भी फुलफिल हो गया इंक से। अभी तो इसमें कुछ एयर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी करते हैं ब्लू को। इसमें भी कुछ ज्यादा ही एयर था, सिरिंज के ट्यूब में वो दिख रहा है। तो फाइनली मैंने ब्लू के एयर को भी सक्सेसफुली निकाल लिया। तो अभी देखो, तीनों ट्यूब एकदम डीप कलर में है, मतलब इसमें फुलफिल इंक भरा है। और अगर आपको लगता है कि आपके ट्यूब में अभी भी थोड़ा बहुत इंक है, तो फिर से इस प्रोसेस को करो। अब कार्टिज को फिर से अटैच करके प्रिंटर को सिर्फ ऑन करके छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना। अगर प्रिंटर ऑन रहेगा तो ट्यूब से फ्लो ऑटोमेटिक कार्टिज में चला जाएगा, और अभी ये जो कार्टिज ड्राई हो गया वो इंक से फुलफिल हो जाएगा। और अगर ऐसा करने के बाद भी आपका कार्टिज इंक से फुलफिल नहीं होता है, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपने प्रिंटर को बहुत दिन से ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके वजह से आपका जो कार्टिज है वो अंदर तक फुल्ली ड्राई हो गया, मतलब फुल्ली जैम हो गया। तो इस टाइम पे आप एक नया कार्टिज को खरीद सकते हो, या फिर आपको अगर जानना है कि कार्टिज को कैसे रिपेयर करते हैं, तो एक कमेंट कर देना, मैं उसको लेकर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, ये प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। साथ में अगर कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में कोई नए विजिटर हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही वापस जाना।